गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स का साइंस का रिवीजन सीरीज लेसन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग रिवीजन पार्ट थर्ड। अच्छा, कल हमने उसका आधा पढ़ा था, आज हम बाकी का पोर्शन पढ़ेंगे। फ्रेश वाटर हैबिटेट रिवर्स, आपको पता है फ्रेश हैबिट, कल हमने पढ़ा डेजर्ट, ठीक है ना, फिर हमने पढ़ा एक्वेटिक सब कुछ, अच्छा ओशन वगैरह मैरीन हैबिटेट, आज हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट। रिवर लेक्स पॉन्ड्स एक्स्ट्रा कंप्रोमाइज द फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। कहते हैं जी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में क्या आता है, रिवर्स आती हैं, लेक्स आती हैं, पॉन्ड्स, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, देख जो यहाँ पे रहते हैं इनको बोलेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट। 3% ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज काउंटेड एज फ्रेश वाटर एंड बट स्टिल ए वाइड वराइटी ऑफ स्पीशीज आर फॉर्म हियर। सिर्फ 3% जो पानी है वो पीने के काबिल है फ्रेश वाटर, बट स्टिल मगर फिर उसके अंदर भी कई तरह की स्पीशीज रहती हैं, जैसे स्नेल हो गए, वॉर्म्स हो गए, मोलस्क्स हो गए, एक्स्ट्रा आर फाउंड इन दिस हैबिटेट, इस जगह पे। अच्छा, पॉन्ड्स एंड लेक्स नेक्स्ट हैबिटेट इज, अगला क्या है, पॉन्ड्स एंड लेक्स। प्लांट्स वाटर प्लांट्स कैन बी कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर लाइक हाइड्रिला। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे होते हैं, जैसे हाइड्रिला, और फ्लोटिंग द सरफेस, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसके ऊपर तैर रहे होते हैं, ठीक है ना, पानी के ऊपर, लाइक वाटर लिली, जैसे हम वाटर लिली एक फ्लावर बोलते हैं, लोटस देखते हो मोस्टली लेक्स में, आप देखते हो ना डल वाल में कितने लोटस, वाटर हैकिनेथ। रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज, इनकी रूट्स जो होती हैं बड़ी कम, थोड़ी रिड्यूस्ड होती हैं साइज में, सिंस देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द लॉन्ग हॉलो एंड लाइट so that these can bend in along with water movement. Stem of aquatic, इनकी जो stem होती है, ठीक है ना, और long, एक तो लंबी होती है, दूसरा अंदर से खाली होती है, तीसरा light होती है बिल्कुल in weight, so that these can bend in along with water movement, ताकि water movement के साथ ये नीचे bend हो जाएँ। Example, इसमें क्या होता है, water lily, the stem grow up to the surface of water, stem कहाँ तक grow करती है, up to the surface, क्योंकि पानी के उधर ऊपर होते हैं, surface of water, while the leaves and flowers float on the, और क्या होता है जो लीव्स और इसके फ्लावर्स होते हैं ये पानी के ऊपर, जैसे आप लोटस देखो इसके लीव्स और फ्लावर्स क्या होते हैं, हमेशा देखो लोटस के पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। टोटली सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स। अच्छा, जो टोटली पानी के अंदर है जो दिखते नहीं है, लाइक एग्जाम्पल टेप ग्रास, इसके क्या होते हैं, इसके नैरो, ठीक है, एंड रिबन, जैसे रिबन की शेप होती है ना वैसे इसके लीव्स होते हैं, कैन बेंड इन फ्लोइंग, बिल्कुल बैंड होते हैं फ्लोइंग वाटर में। स्टेम हैव एयर स्पेस टू एनेबल द प्लांट टू फ्लोट, इसकी स्टेम में थोड़ी सी एयर स्पेस होती है जिससे जो प्लांट है वो फ्लोट करता है, यानी तैरता है। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लार्ज एंड फ्लैट, जो फ्लोटिंग प्लांट्स है वो बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं बिल्कुल। दे हैव वैक्सी अपर सरफेस एंड दैट मेक्स देम वाटर प्रूफ, उनका जो ऊपर वाला सरफेस होता है दैट इज़ वैक्सी, ठीक है ना, मोम जैसा, ठीक है ना, तो चिपचिपा जैसा, ठीक है ना, जो जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, दैट मेक्स दम वाटर प्रूफ, कि वाटर पानी के अंदर रहते हैं। दे हैव स्टोमेटा ऑन द अपर सरफेस विच आर एक्सपोज्ड, अच्छा इसके ऊपर स्टोमेटा, स्टोमेटा लीव्स के ऊपर होता है, तो ऊपर अपर सरफेस में, या ताकि हवा वहाँ से ये ले सकें, ठीक है ना। देन कम्स फ्रॉग्स, फ्रॉग्स आर अडेप्टेड टू लिव बोथ ऑन, आपको पता है जो फ्रॉग्स होती हैं वो लैंड पे भी रहती हैं पानी के अंदर भी, आपको पता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक, क्योंकि उनकी जो बैक है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एंड लेग्स एंड वेब्ड फीट्स, ठीक है, अंदर के वेब्स जैसे फैले हुए पंजे होते हैं, विच अलाउ देम टू स्विम इन वाटर, जिससे वो क्या करते हैं पानी के अंदर स्विम करते हैं। देन कम्स कोस्टल हैबिटेट, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, कोस्टल एरियाज वो होते हैं जो समुंदर के किनारे होते हैं, दीज एरियाज आर कॉल्ड एज कोस्टल एरिया। हैबिटेट्स वेयर लैंड मीट द सी, वो वाला एरिया जहाँ पे ज़मीन समुंदर से मिलती है उस हैबिटेट को कहते हैं कोस्टल हैबिटेट, यानी बीच किनारे समुंदर के। स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स आर फाउंड इन दिस हैबिटेट, यहाँ पे एक स्पेशल तरह का पेड़ होता है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव्स, ठीक है ना। फिर है कोस्टल प्लांट्स लाइक सीवीड अटैच टू द रॉक्स फिरमली सो दैट दे आर नॉट स्वेड बाय द वेव्स। कोस्टल प्लांट्स लाइक जैसे सी वीड होता है वो अटैच होता है रॉक्स के साथ, बहुत रॉक्स के साथ, सो दैट दे आर नॉट स्वेड बाय द वेव, ताकि देखो जो ये कोस्टल प्लांट है मैंने ऐसे आपको सी वीड, ये अटैच होता है नीचे जो रॉक्स होते हैं समुद्र के अंदर, जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर, ताकि कोई लहर इसको अपने साथ बगा के ना ले जाए। फिर है एक्लेमाइजेशन ड्यू टू सर्टन चेंज इन
the surroundings. Organism adapt through them by making small change in the body over short period of. कहते हैं जैसे सराउंडिंग में कोई चेंज आती है तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को वैसा ही अडॉप्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी चेंज लाते हैं अपनी बॉडी में, थोड़े पीरियड के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। द चेंज विच टेक्स प्लेस इन बॉडी, जो बॉडी के अंदर चेंज आती है व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन। जब हम हमारी बॉडी के अंदर कैसी चेंज आती है, जब हम प्लेन से सीधा पहाड़ों पर चले जाते हैं। एट द एडजस्टमेंट विच द बॉडी मेक्स इज कॉल्ड एज एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी अपने आप को वैसा अडॉप्ट कर लिया। पहले प्लेन्स में थी तो माउंटेन्स में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो बॉडी वैसे ही अपने आप को एडजस्ट कर लेती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें अगला क्या पढ़ा है, करेक्टरिस्टिक्स। दे रिक्वायर फूड टू ग्रो एंड कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको खाना ज़रूरी चाहिए। अगर खाने से वो ग्रो करते हैं और अपनी ज़िंदगी देख के बाकी जो प्रोसेसेस है वो कैरी करते हैं। जो भी लिविंग है वो ग्रो करेगा साइज में। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स, दे ग्रो इन साइज, बड़े होंगे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेथ एंड रेस्पायर, ये ब्रीथ करते हैं, ब्रेथ करते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ जनरेट, उससे एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है ना। जैसे छोड़ते हैं ऑक्सीजन और लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, हम उल्टा करते हैं, हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस या चेंज इन्वायरमेंट, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट को उसको ये रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वो टच मी नॉट फ्लावर्स, जब हमको टच करते हैं तो एकदम से उनके प्लांट्स बंद हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टच मी। ऐसे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस यानी चेंज इन्वायरमेंट के साथ। दे कैरी आउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होती है इनमें, किन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि दूसरी जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सक्रीशन एमिनेशन, और इनकी बॉडी से वेस्ट निकलता है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। मूवमेंट इज शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये कोई ना कोई मूवमेंट शो करते हैं, कौन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो खाना चाहिए, एक तो ग्रो होते हैं साइज में, एक तो रिप्रोडक्शन होती है, एक रेस्पिरेशन होती है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले एंड मूवमेंट शो करते हैं। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा भी है पहले, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है ना। तो बेटा आप भी इसको पढ़ो और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, लर्न भी करो।